जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी पूर्व से एक ही मांग रही है कि ये जो कैंपस और कॉलेज की स्थिति है इसको स्पष्ट किया जाए। अगर ये कैंपस है तो यहाँ कैंपस के कर्मचारी इतने कम क्यों हैं? 35 का स्टाफ 40 के स्टाफ में कैंपस चलाया जा रहा है, जहाँ पूर्व में 150 तक का स्टाफ रहता था जो कॉलेज में, ना ही कॉलेज वालों को कहीं समायोजित किया जा रहा है। अगर ये सारी स्थिति रहेगी तो हमारा छात्र का जो शिक्षा का हनन हो रहा है इसकी जवाबदेही कौन देगा? हम इसमें जिला प्रशासन को, परिसर प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजते भेजते थक गए हैं। इस बार हमने राज्यपाल जी को भी ज्ञापन भेजा हुआ है जिसका कोई जवाब, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। तब इसके विरोध में हमें ये आक्रोश में आगे सारी कार्रवाई करनी पड़ रही है। लगभग कितना समय लगेगा इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में? तब तक हम अपने उसको विराम दे देंगे। अगर आप लिखित में नहीं देते हैं कि इतने दिन के अंदर पूर्ण, नहीं सर हमको लिखित में चाहिए सर, हम ऐसे नहीं सुन पाएंगे ना। जी 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 नहीं सर, आप लिखित इतना ये तो लिखित में दे सकते हैं कि कितने दिनों के अंदर ये प्रक्रिया। विज्ञापन तैयार होने से मतलब नहीं है ना सर, उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण होने में समय कितना लगेगा? आप सर मान लीजिए उसके उसके बीच में आचार संहिता लग जाती है, अगर आप आचार संहिता का बात जी सर ठीक है सर, रिजल्ट बाद में निकलेगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं ये बहाना ना हो आचार संहिता लग गई है, इसके बाद हमें इसको रोकना पड़ रहा है, जून जुलाई तक आप इसको खिसकाते रहे। सर अगर आपको इतना पता होता, इतना मालूम होता तो आप एक बार पिथौरागढ़ आते और पिथौरागढ़ कॉलेज की स्थिति को देखते। तो सर आपने स्थिति इतने समय से स्थिति देखी है, जी सर आपके बारे में जी जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है उनको भी हटाइए सर प्लीज, वो हमारे पिथौरागढ़ वालों के लिए सर बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। जी जी सर, और साथ ही साथ हम को एक और चीज पूछना है सर, जो ये बच्चों से स्वास्थ्य शुल्क लिया जा रहा है और ये स्वास्थ्य बीमा कराया जा रहा है, इसका ब्यौरा कहाँ है सर, किसके पास रहेगा ये ब्यौरा, कौन देगा हमको? सर थोड़े सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो इस बार बच्चों से फीस ले ली गई है क्या उनका बीमा हो चुका है? सर पता, अगर आप पता नहीं करते हैं तो मैं आपको थोड़ा संज्ञान में डालता हूँ कि हाल फिलहाल में एक हमारे कॉलेज के स्टूडेंट की डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ। तो आप वो कभी भी क्लेम करने आ सकते हैं सर, और यूनिवर्सिटी पे पूरा केस बनेगा, जहाँ कैंपस पे बनना है यूनिवर्सिटी पे बनना है वो सारे वो देख लेंगे, सारा रिकॉर्ड है सर, सारा रिकॉर्ड जी। सर आप लिखित लेटर भिजवा दीजिए सर कि ये आचार संहिता कहीं नियुक्ति में बाधा नहीं आएगी। सर ये लेटर जो आप जारी करेंगे, जो ये लेटर आप जारी करेंगे छात्र संघ के नाम पे करिएगा सर, छात्र संघ के नाम पे करिएगा, छात्र संघ को आप जैसे जवाब दे दें तो उसके नाम पे, क्योंकि बात में हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा ना सर।
हमारे पैसों से तो आ रही चीजें हमारे लिए तो बनाई गई है सर, जब इनसे हमको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। सर हमने अभी तक तो नहीं किया सर ऐसा, हम शांतिपूर्वक तो सबको शांतिपूर्वक हम ऊपर चढ़े, हम सर हम ऊपर चढ़े, हम सिर्फ चेतावनी देने के लिए चढ़े थे, हम चुपचाप चढ़े चुपचाप वापस आ गए, हम सिर्फ ये बताना चाहते क्या बचा है तोड़ोगे तो परिसर बनाया गया था सुविधाओं के लिए बनाया गया था, परिसर बनाया गया था सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन हमको सुविधा मिली कहाँ सर। अच्छा सुनो, परिसर बने कितना समय हुआ है? बन गया ना सर, 3 साल हो गया बोलने आप। 3 साल कॉलेज बने कितना समय हो गया? 70 साल क्या हुआ 70 साल में, क्यों नहीं हुआ फिर इतना? सर लेकिन आप यहाँ कितने साल से जॉब कर रहे हैं सर? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए सर, 13 साल में आपने कितना बदलाव देख लिया, आप भी तो देख रहे हैं सर यहाँ। अच्छा ये देखो कितने दिन सबने जांच की यहाँ कॉलेज में, एक इनकी कमेटी भी खुद की कमेटी है, अब हम तो खुद जाएंगे। बात तो सुनिए, इनके मुद्दे बैठ करेंगे सचिवालय में, तो क्या सुनेंगे तभी तो होगी, तो नहीं सुनेंगे तभी तो होगी, तो बात सुनेंगे तो कुछ नहीं है। वही सर आपकी प्रॉपर कमेटी है, प्रॉपर कमेटी 3-4 लोग सर क्या है ना, इनके बहाने क्या होते हैं, मतलब मैं इनके नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के नेता आएंगे, अगर हम गेट पे आई कार्ड चेक करना शुरू करेंगे कहेगा मैंने किसी की टीसी निकाल दी, इलीगल ढंग से वो अंदर ही आने की करेंगे, बात वही होगी, फिर वो दूसरे दूसरे बहाने से अंदर आएंगे। आपने जो कहा ना आप करो चेक करो, जो एकदम मतलब कुछ देखेंगे एक दो बाहर कर दो, बाकी आने दो करो तो ठीक है। पहले बहाने थे कि सर गेट गार्ड नहीं है, गेट गार्ड भी हमारे पास। अरे गेट गार्ड तो रोज बहस हो रही सबकी, उनसे उनसे तो एक आ गया है, उनका स्टेटमेंट यहाँ हमसे एक आ गया, आप लोग होते कौन हो हमारे सामने कॉलेज के ही, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोगों ने बोल दिया, आप लोग कौन है हमारे सामने, क्या क्या करेंगे बच्चे सरकारी। सबसे गलत बात है, जब कहीं का फायदे की बात होती है, कैंपस बन गया मजबूरियां है, अब किस किस की मजबूरियां देखेंगे, हम चुप रहते हैं, वहाँ टीचर कहते हैं कल हमारे पढ़ाई बच्चे हम पे चढ़ने आ रहे हैं, अब गवर्नमेंट के टीचरों को मुख्य करना तो वहाँ निदेशक छोटा जी सुटा सर तो मेरे रिटायर हो गए, उन्होंने कुछ करना नहीं है, सुटा सर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनके सब बुद्धि चल रही है, ये जब हमारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी ऑटोमेटिकली समायोजित हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भेज दीजिएगा सचिव पांडे जी ने कहा था अभी, सही बात है, इसलिए हम मान रहे हैं सर, समाज के लिए ऐसी जरूरत है, जल्दी से नहीं हो पाया। अब जैसे हमारे लोग आए थे पहली बार की भाई आप 35 लोग हो और कम हो, अब वो इसलिए उनको व्यवस्था जैसे हमारे 42 लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली जाएंगे नहीं, एक बार फिर 2 कैसे रहेंगे, तो एक हम किसी साहब के पास गए थे, किसी साहब ने भी यही कहा कि ये सारी चीजें लेते आप सुधा सर के पास, वो नहीं जाने की उनके ऊपर उन्होंने कई सारी चीजें हायर एजुकेशन के कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, चुपचाप अगले महीने रिटायरमेंट है, चुपचाप चलने वाला हिसाब हो रहा है उनका, एक पत्र नहीं भेजा सर आप ही के साथ, आप ही ने कितने पत्र भेजे हमारे, एक का जवाब दिया उन्होंने, एक का भी नहीं दिया, कैंपस बन गया इसलिए नहीं दिया, तुम ले अपने उनके लिए तो दे दे सर, वो अपने तो नियुक्ति करा रहे हैं, अटैचमेंट चल रहा है, वो अटैचमेंट उनका जारी है, जवाब नहीं दे।